प्रीति प्रीति तुम्हारा नाश्ता कर लो। प्रीति प्रीति कहाँ चली गई? प्रीति की बैग भी नहीं है। उर्मिला मैडम, उर्मिला मैडम, वो बबली चिल्ला क्यों रही है तू? उर्मिला मैडम, प्रीति प्रीति घर छोड़ के चली गई है। क्या बकवास कर रही है? देखो ना, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? चली जाए घर से अभी और इसी वक्त इस घर से चली जा तू। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तू भी करंट जैसे निकली। क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? क्या नहीं दिया मैंने तुम दोनों को? और तुमने भी मेरे विश्वास को तोड़ दिया चूर चूर कर। पूछती थी कैसे चल रही है पढ़ाई और तू हर बार मुझे धोखा देती रही। शर्म नहीं आई तुझे? आज जो खत तेरे प्रिंसिपल ने भेजा है ना, उसमें तेरी सारी असलियत लिखी है। खत? क्या लिखा था उसमें? निकाल दी गई है कॉलेज से। इसकी वजह जानती है ना? और झूठ बोलने की कोशिश मत कर। सब जानती हूँ। तुझे ड्रग्स की लत लगी हुई। तू ड्रग्स लेती है प्रीति? क्या कमी क्या रह गई मेरी परवरिश में? I'm sorry मम्मा। सॉरी के लिए कोई जगह नहीं है। साबित कर दिखाया तुमने भी, तुम्हारी जगहों में अपने बाप का खून बहता है। बस यही असलियत है। मजाक उड़ाया ना तुम लोगों ने मेरी ममता का, मेरी मजबूरी का। तेरे लिए मेरे दिल में, मेरे घर में कोई जगह नहीं। चली जाओ, दफा हो जा अभी और इसी वक्त। I'm sorry मम्मा। बस कुछ नहीं सुनता है मुझे। हेलो मिस्टर कबीर। हेलो मिस्टर चौधरी, हैव अ सीट। अच्छा कबीर साहब, वो सारे पेपर्स तैयार हैं? जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी के सारे पेपर्स तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा, और रही पेमेंट की बात तो वो आपको आज ही अदा कर दी जाएगी। इन पेपर्स पे भी आप नजर डाल लीजिए, इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें मौजूद हैं।
आखिर ये सब क्या है? अचानक ये एहसान मुझ पर? इसे एहसान का नाम देकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं नहीं जानता था कि आप उर्मिला के इतने करीब के रिश्तेदार हैं। आप उर्मिला के जेठ हैं और उर्मिला के रहते आपकी कंपनी नहीं बिक सकती मिस्टर चौहान। लेकिन मिस्टर कबीर मैं जो प्लीज बस इस बात का ख्याल रहे कि आप इस कंपनी के सरपरस्त हैं, इस कंपनी की देखरेख आपको करनी है, लेकिन इस कंपनी की मालिक होंगी उर्मिला चौधरी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर कबीर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ प्रीति, अच्छा ही हुआ जो तू भी मुझे छोड़कर चली गई। एक रिश्ता बचा था जिंदगी में अर्थ ढूंढने के लिए, जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार सकती, वो भी टूट गया। अच्छा ही हुआ, कभी मैं अपने रिश्ते तोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, और आज आज फिर से मेरा सब कुछ खो गया। एक एक करके मेरे सब अपने मुझे छोड़कर चले गए। किसी को दोष नहीं दूंगी, शायद ये मेरी तकदीर है, शायद यही मेरी तकदीर है। जानकी, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। इधर आओ, बहुत अच्छी खबर है। यहाँ यहाँ बैठो, बैठो बैठो। क्या हुआ? बैठो, बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर ये है कि हमारी कंपनी बिकने से बच गई। क्या? आप सच कह रहे हैं? उर्मिला ने हमारी कंपनी को बेचने से बचा लिया है। उर्मिला ने? यस, उर्मिला ने आज फिर से हमारे खानदान पर एक और उपकार कर दिया उसने। उर्मिला ग्रेट है, शी इज ग्रेट। उसने हमेशा लोगों पर उपकार ही किया है। हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है। हाँ। कभी उसने कुछ पाया नहीं है। इट्स ग्रेट। लेकिन मैंने भी आपसे कहा था ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, हमारे परिवार के खुशी के दिन वापस लौट आए हैं। यू आर राइट। अंधकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हाँ। आप बस रुकिए, मैं कुछ मीठा बनाती हूँ। जल्दी से जल्दी से। रखिए
आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मेरा नाम अमन है। एक्चुअली मैं शहर में नया नया आया हूं और मेरे रहने के लिए यहां कोई जगह भी नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हैं और आप कभी किसी को निराश नहीं करती। आप हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती हैं। थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दीजिए। मुझे रहने के लिए बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस थोड़ी सी, प्लीज माँ जी। तुम मेरे लिए अनजान हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, कैसे भरोसा कर लूं तुम पर? देखिए मैं एक अच्छा लड़का हूं, आप चाहें तो मेरे बारे में पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकती हैं। देखिए आप एक माँ हैं और मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, क्या एक बेटा एक माँ के घर में नहीं रह सकता? प्लीज माँ जी, मेरे तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज माँ जी मुझे निराश मत कीजिए। थैंक यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच। अंदर आ। हाँ बस यही समझ लीजिए कि किसी को ढूंढने आया हूं, लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरा काम पूरा हो चुका। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बचपन से लेकर आज तक मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। तुम्हारी बातें अमन मेरी समझ में नहीं आती, पहेली सी लगती है मुझे। जिंदगी की पहेली ही सुलझाने आया हूं। टंटन बड़ी बॉम चाय। अरे तुमने ये तकलीफ क्यों ली जितना? ये सब तुम क्यों करते हो? बबली कहाँ है? मैंने आपको अपनी बड़ी माँ माना है, और माँ की सेवा करने में बेटे को कैसी तकलीफ? अरे माँ की सेवा करने से बेटे को पुण्य मिलता है। तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम विदेश से आए। क्यों, ऐसा क्या है मुझ में? खास बात, विदेश की संस्कृति अलग है, हमारी अलग है, वहां जाकर लोग बदल जाते हैं। बड़ी माँ मैं विदेश जरूर गया था, लेकिन वहां जाने के बाद भी मैं अपनी संस्कृति को नहीं भूला। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी माँ का बेटा हूँ। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ मेरे दिल में। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन वहां जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को नहीं भूला। सचमुच तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत भाग्यशाली है वो। भाग्यशाली तो मैं हूं कि मुझे अपनी बड़ी माँ मिल गई। रियली आपको पाकर मैं धन्य हो गया हूं बड़ी माँ। आखिर तुमने भी मुझे धोखा दे ही दिया। बड़ी माँ क्या कह रही है? नादान बनने की कोशिश मत करो तुम।
क्यों छिपाई तुमने अपनी पहचान मुझसे? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाकर मेरे ही घर में घुसाए? बड़ी माँ, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। मत कहो मुझे बड़ी माँ। और गलतफहमी हुई थी मुझे, अब सच्चाई की तस्वीर मेरे आंखों के सामने साफ नजर आ रही है। किस मकसद से आए थे तुम यहां पर? अब क्या कह रही है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बर्बाद करने आए थे? मेरी बची कुची जिंदगी उसे बर्बाद करने आए थे? क्यों आए थे तुम? बताओ अमन, ये तस्वीर तुम्हारे पास क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? बोलो।